अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं मैरसेम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए बहुत ही मजे की वीडियो लेकर हाजिर होता हूं। इसी तरह आज मैं लेके आया हूं आपके लिए, सुनहरी बैंक से पर्सनल लोन किस तरह लिया जा सकता है। आपकी नकदी की जरूरत का एक आसान हल है। अब आप सुनहरी पर्सनल फाइनेंसिंग स्कीम के जरिए अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। सुनहरी बैंक लिमिटेड 1 मिलियन रुपए तक की जाती मालियत की पेशकश करता है, जो कि 4 सालों में मसावी महाना एक साथ में अदायगी है। आपकी जाती मालियाती जरूरत को पूरा करने के लिए फाइनेंस दस्तयाब है। जरूरत को पूरा करने के लिए ब्राह करम सुनहरी बैंक के लिमिटेड करीबी ब्रांच से रब्ता करें, या फिर बेनिफिट्स, इसके जो बेनिफिट जो इसका मार्कअप रेट है वो बिल्कुल ही कम है और प्रोसेसिंग फीस इसके बिल्कुल भी नहीं है। इसकी फ्री में इंश्योरेंस की जाती है, जबकि इसकी जो पेमेंट है आसान एक साथ है, उसके लिए भी आपकी राय जरूरी है। अर्ली सेटलमेंट ऑप्शंस, इसमें जो है आपका अर्ली सेटलमेंट ऑप्शंस भी है। कर्जे का मकसद साथी और घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए, कर्जे के लिए अहलियत रखने वाले मंजूर शुदा कंपनियों के तनख्वाहदार अफराद जिनको तनख्वाह का अकाउंट सुनहरी बैंक में हो, उसके अलावा मंजूर शुदा कंपनियों के तनख्वाहदार जिनकी तनख्वाह का अकाउंट किसी दूसरे बैंक में भी हो, वो भी कर्जा हासिल कर सकते हैं। कर्जे की जो रकम है वो 10 लाख रुपए है। कर्जे की मुद्दत जो है वो 1 से 5 साल तक है। इसका जो मार्कअप रेट है वो 10% है। सुनहरी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है तो आपका जो मार्कअप रेट है वो 8% होगा। जिन लोगों का अकाउंट सुनहरी बैंक में है उनकी कम से कम आमदन जो है वो 25,000 होनी चाहिए, और जबकि जिनकी दूसरे बैंकों में अकाउंट हैं उनकी तनख्वाह 40,000 तक होनी चाहिए। मौजूदा मुलाजमत पर कम से कम 1 साल या मुसलसल 2 साल मुस्तकिल हैसियत के साथ हो। ये लोन कम से कम जो अप्लाई कर सकते हैं उनकी एज 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए, जबकि आपको इससे भी ज्यादा जो एज है 64 साल तक मिल सकता है। 64 साल और 8 माह तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 40% हिस्सा आपकी तनख्वाह से मखसूस कर दिया जाएगा, जो इसकी पेमेंट होगी, इसकी किस्त अदा होगी। जबकि आपकी दरख्वास्त अगर मंजूर हो जाती है तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है फिर लागू होगी, वो भी 3,000 रुपए। अगर गैर मंजूर शुदा आपकी दरख्वास्त है उस पर कोई भी फीस लागू नहीं होगी। केवल एज वक्त अदायगी का हर जाना बकिया रकम का 6.5% तखीर से अदायगी पर हर फी किस्त 925 रुपए के अलावा फीड महाना दिया जाएगा। अखराजात दस्तावेजी अखराजात असल के मुताबिक लागू होंगे, 7.50 अजाफी स्टाम्प पेपर की असल मालियत के मुताबिक। दीगर अखराजात डिजिटल बैरूनी तस्दीक के अखराजात असल के मुताबिक लागू होंगे। ECIB रिपोर्ट चार्जेस असल के मुताबिक लागू होंगे। लोन बैलेंस सर्टिफिकेट चार्जेस 350 रुपए अलावा चार्ज किए जाएंगे। पर्सनल लाइफ बीमा बिना किसी लागत के कर। तो जो दोस्त इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनका सिर्फ बैंक अकाउंट जो है इसमें हो या जिस किसी और बैंक में, वो लोग पर्सनल लोन 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, 1 मिलियन लोन ले सकते हैं। जो कारोबारी लोग हैं वो लोन लेना चाहते हैं वो भी लोन ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए दरपेश है उनका बैंक स्टेटमेंट और उसके साथ जो है उसका असल शिनाख्ती कार्ड, तो वो लोग भी इसमें कर्जा हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ नासिर।